है दांत का उल्टा चश्मा। अगर तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करना चाहती हो, तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनना चाहती हो तो? हाँ तो बावरी को 24 घंटे के अंदर अंदर धनराज सेठ के वहां से हमारा 6 लाख का अटका हुआ पेमेंट लाना होगा। नहीं, इस टास्क इज इम्पॉसिबल। मंजूर है, मैं आपका पेमेंट लाकर रहूंगी और वो भी 24 घंटे में। अगर तू पेमेंट नहीं ला पाई तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कदम नहीं रखूंगी। शाबाश। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हे भगवान, अजीब दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे क्या प्रार्थना करूं। बावरी को पेमेंट मिल जाए कि ना मिले, क्योंकि मिल जाए तो भी प्रॉब्लम है और ना मिले तो भी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा हो सकता है कि पेमेंट भी मिल जाए और मुझे बावरी को नौकरी पर भी ना रखनी पड़े? नहीं, मतलब पेमेंट मुझे किसी और के जरिए मिले, बावरी के हाथों ना मिले, ऐसा हो सकता है ना? बस 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 बस, तो ऐसा ही करना है। चलो चलता हूँ। थैंक यू। हे भगवान, आज बावरी मैनेजर के एग्जाम पास कर दे तो अच्छा होगा। आज जो वो पेमेंट लेने गई है उसमें उसे सफलता मिले, ऐसा आशीर्वाद देना। ये पूजा कर रहे हैं तो हम बाद में आते हैं। रुको रुको, पूजा हो गई, बताइए ना क्या चाहिए। एक अच्छा सा टीवी खरीदना है। आइए आइए आइए। ये लीजिए आपका बिल और टीवी की डिलीवरी आपको शाम तक मिल जाएगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। भागा कहाँ? गोडाउन में। क्यों? स्टॉक चेक करने गया था। उधर क्या देख रहा है भाई? टाइम मत देख, टाइम मत देख, अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं। तेरी बावरी अगर आई भी ना तो 2 बजे के पहले नहीं आएगी। अगर आप अगर क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? बावरी जी आएंगी, जरूर आएंगी और पेमेंट लेके आएंगी। सवाल ही नहीं उठता। ये काम उतना ही मुश्किल है जितना उड़ते हुए पंछी के पर गिनना। उड़ते हुए पंछी के पर? वो तो छोटा बच्चा भी गिन सकता है, 2 होते हैं। अरे मैं पैर की नहीं पर की बात कर रहा हूँ, पर की। हाँ तो मैं भी पैर की नहीं पर की बात कर रहा हूँ। 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। रे पर मतलब मैं वो पंछी के वो पीछे होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। पंछी के पीछे कौन होता है? अरे पंछी के पर में जो पीछे होते हैं, पीछा पीछा, उसकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक सेठ जी इज टॉकिंग अबाउट फेदर। हाँ, क्या कोई बता सकता है उड़ते हुए पंछी के कितने फादर है? सेठ जी फादर नहीं, फेदर। छोड़ो अभी ये फादर फिदर, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान के सर पे कितने बाल है वो गिनना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल ये धनराज से पेमेंट लाना है। अरे पेमेंट छोड़ो, वहां जाके बावरी ने उसका नाम भी ठीक से बोला ना तो भी बहुत है। वहां जाके वनराज ने फनराज ने ऐसा कुछ बोलेगी तो उसको ऑफिस में घुसने भी नहीं देंगे, बाहर से ही हकल देंगे। आप चाहे जो भी कहें लेकिन बावरी जी आइए। 1-2 टन का एसी मिलेगा? 1 टन का कि 2 टन का? 2 टन का 1 एसी जरूर। भागा।
दो टन का ऐश्वर्य दिखाओ जरा। आइए। मुंह बिगाड़ के क्या है? फिर से आइएगा। क्या हुआ? पता नहीं। क्या हुआ? सिंह जी, 2 बजने वाले हैं। बावरी जी किसी भी वक्त लैंड होंगी। तो वो क्या हेलीकॉप्टर में आने वाली है? नहीं नहीं, मतलब बावरी जी किसी भी वक्त आएंगी। तो तूने उसके लिए क्या बैंड बाजा का आयोजन किया है? नहीं तो? तो फिर दौड़ के बाहर क्यों आ गया? आएंगे तो अंदर ही आएंगे ना। चल अंदर चल। जी। आए। नटू काका, घड़ी बंद हो गई है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कब से 2:15 ही बजे हैं, ये मिनट का कांटा हिल ही नहीं रहा है। ए कांटेश्वर, मिनट का कांटा 60 सेकंड पूरे होने के बाद आगे बढ़ता है। तो 60 सेकंड में 50 बार देखेगा तो वो तो वहीं पड़ा मिलेगा ना। और मैं तो कहता हूँ तो अभी घड़ी देखना बंद कर दे, मुझे नहीं लगता बावरी आएगी। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बावरी जी आएंगी, जरूर आएंगी। अरे आएंगी होती तब तक आ चुकींगी होती ना। लेकिन अभी तक 2 कहाँ बजेंगी है? मतलब बजे हैं। भागा, बावरी आ गई। जी आ गए। देखा सेठ जी, मैं ना कहता था मेरी बावरी जी आएंगी, जरूर आएंगी। आ गए बावरी जी, आ गए। शामरुग, खुश होने से पहले जान तो ले वो पेमेंट लेके आई है कि नहीं। लेके ही आए होंगे सेठ जी। आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए बावरी जी। बावरी जी अब रुक क्यों गई? आइए आइए, अंदर आइए। आइए बावरी जी, आइए। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, बावरी जी आ गई, बावरी जी आ गई। अरे मुझे क्या बता रहा है, मैंने तो तुझे बताया। अरे हाँ, सॉरी सॉरी नट्टू काका, वो क्या है ना, आई एम अ बिट ओवरजॉयड। बावरी जी आ गई, बावरी जी आ गई। शांति शांति, उंडा श्वास ले। उंडा श्वास? अरे उंडा श्वास। ओके ओके सेठ जी, बावरी जी आ गई। इसका मुंह देख के तो लग रहा है कि पेमेंट मिला नहीं है क्या बावरे? सी क्या सियार? क्या सी सियार? मतलब लायन के फैक्स? फैक्स नहीं सेठ जी, फॉक्स। लायन के फॉक्स। आओ जो। लायन या फॉक्स? पर मैं तो पेमेंट लाने गई थी, जंगल से लायन या फॉक्स थोड़ी ना लाने गई थी।
नहीं नहीं बावरी जी, सेठ जी पूछ रहे हैं लायन या फॉक्स, मतलब पेमेंट मिला कि नहीं। इसमें लायन या फॉक्स कैसे आ गया? हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई काम करने जाओ और उसमें आपको सफलता मिले तो कहते हैं कि सिंह, और अगर उसमें निष्फलता मिले तो कहते हैं कि शिया। तो तू जो काम करने गई थी उसमें सफलता मिली कि निष्फलता? सिंह के शियार। हाँ। शियार। 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 मतलब पेमेंट नहीं मिला। शाबाश। शाबाश? पेमेंट नहीं मिला उसमें शाबाश? नटू काका, कोई पेमेंट ना मिलने पर इतना खुश कैसे हो सकता है? पेमेंट नहीं मिला उसका दुख है मुझे? कोई दुख नहीं है आपको। आप चाहते ही नहीं थे कि बावरी जी यहाँ मैनेजर बन के आए, इसलिए आपने उनको इतना मुश्किल काम दिया। शियर तो आप हो। सॉरी। रुक, पहले इससे निपटता हूँ। चल बावरी, खड़ी क्या है? क्या करार हुआ था हमारे बीच? अगर पेमेंट नहीं मिला तो मैं आइंदा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कदम नहीं रखूंगी। बावरी जी, पिछले 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 पिछले, अभी तेरी नौकरी चालू है, ये रुटना मनाना सब दुकान बढ़ाने के बाद। बागा, बावरी वापस आ रही है। क्या हो रहा है? तू वापस क्यों आई? और आई तो आई, नाचते नाचते क्यों आई? खुशी की बात है तो नाचूंगी ही ना। पेमेंट नहीं मिला वो खुशी की बात है? किसने कहा कि पेमेंट नहीं मिला? अरे तूने ही तो अभी कहा ना सियाड़। अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। खुशी के पहले थोड़ा गम होना चाहिए ना, तो ही तो खुशी महसूस होती है। अरे पर तू पहले मुझे खुशी देकर अभी गम दे रही है, उसका क्या? एक मिनट सेठ जी, बावरी जी आप सीधे सीधे बताइए ना, पेमेंट मिला है कि नहीं? हाँ बागेश्वर जी, पेमेंट मिल गया। क्या 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 जिस धनराज सेठ ने मार्केट के बड़े बड़े व्यापारियों का पेमेंट अटका दिया था, उस धनराज सेठ से बावरी जी पेमेंट ले आई। हाँ हाँ ले आई। तू धनराज सेठ से पेमेंट ले आई? हाँ। धनराज सेठ से पेमेंट ले आई? हाँ। धनराज सेठ से पेमेंट ले आई? हाँ भाई हाँ, मतलब सेठ जी वो हाँ तो बोल रही हैं। हाँ तो बोल रही है लेकिन मानने में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आपको मानना पड़ेगा। ये देखिए, संभालिए, क्या हो रहा है? नटू काका, ये तो गजब हो गया। ये बावरी 6 लाख का पेमेंट धनराज सेठ से ले आई। हाँ सेठ जी, ये तो गजब ही हो गया। हाँ बावरी जी, आप ये पेमेंट लाई कैसे, बताइए ना। बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा टाइम लगेगा। बताइए ना, चलेगा। ए बिंदु, बस कर भाई, अभी कहीं भी किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा के वार करना बंद कर दोस्त। हाँ बस अभी बेटा बावरी, बता बता तू ये पेमेंट लाने में सफल कैसे हुई? वो क्या हुआ, पहले मैंने सोचा कि मैं वनराज जी के ऑफिस जाऊँ। वनराज नहीं बावरी जी, धनराज। हाँ,
सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। फिर मैंने सोचा कि वो ऑफिस में तो मिलते हैं नहीं, इसलिए मैं दिमाग लगाकर उनके घर चली गई। किससे मिला है मैडम आपको? धनसुख जी से। यहाँ कोई धनसुख जी नहीं रहते। अरे ऐसे कैसे, एड्रेस में तो यही लिखा है। एक मिनट ये देखिए। क्या मैडम, इसमें तो धनराज लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, धनराज जी से ही मिलना है। ठीक है, बताइए क्या काम है आपको उनसे? वो मैं उनको मिलकर ही बताऊंगी। देखिए आपको मैं ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता, पहले आपको काम बताना होगा। उनके फायदे की ही बात है, और क्या फायदे की बात है वो मैं उनसे मिलकर ही बताऊंगी। और मैं यहाँ सिर्फ 2 मिनट ही रुकूंगी, अगर मुझे 2 मिनट में अंदर जाने नहीं दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और उनका नुकसान हो जाएगा। रुकिए एक मिनट, मैं साहब से बात करता हूँ। हेलो साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है? कोई पैसे मांगने आया है? अरे नहीं नहीं साहब, वो एक मैडम आई हैं, कह रही हैं कि आपके फायदे की बात करने के लिए आई हैं। फायदे की बात? और हाँ साहब, और वो मैडम बोल रही हैं कि अगर 1 मिनट के अंदर आपने घर के अंदर नहीं बुलाया उन्हें तो यहाँ से चली जाएंगी और आपका नुकसान भी हो जाएगा। देखो फायदे की बात है ना, तो उसे जाने मत देना, उसे जल्दी अंदर लेके आओ। जी 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 सर। मैडम आई। वाह बाबरी जी वाह, घर में घुसने का क्या मस्त आइडिया लगाया आपने। फिर क्या हुआ? हाँ? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने मुझे घर पे वेलकम किया और जूस पिलाया। वैसे आप है कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं बाबरी हूँ, बागेश्वर जी की होने वाली पत्नी। कौन बागेश्वर? बागेश्वर जी वो जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। अच्छा बाघा, देखिए आपने तो कहा था कि मेरे फायदे की बात है, क्या है फायदे की बात जल्दी बताइए। बताती हूँ वो क्या है, एक्चुअली मैं आपके ऑफिस आने वाली थी, पर आप ऑफिस में तो मिलते हैं नहीं, झूठ बोल देते कि आप आउट ऑफ मुंबई है, आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ये सब बेकार की बातें छोड़िए और जल्दी से फायदे की बात बताइए। बताती हूँ, पर सबसे पहले आप बागेश्वर जी को नौकरी दिला दीजिए। क्यों, वो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है ना। हाँ, पर आपके वजह से उनकी नौकरी जाने वाली है। क्या, मेरी वजह से? हाँ, आपने हमारा पेमेंट नहीं दिया है, इसलिए सेठ जी नाराज हो गए और उनको नौकरी से निकाल रहे। आपके वजह से उनकी नौकरी जा रही है। देखो मैं किसी को नौकरी पे नहीं रख सकता। ठीक है, अगर आप उनको नौकरी पे नहीं रख सकते तो आप हमारी पेमेंट वापस कर दीजिए। देखिए आपने कहा था बात मेरे फायदे की है, इसलिए मैंने अपने घर के अंदर आपको आने दिया, अभी बीच में पेमेंट की बात कैसे आई? आप अभी तक नहीं समझे, हमारी पेमेंट वापस करने में ही आपका फायदा है। मतलब? मतलब अगर आपने हमारा पेमेंट नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आप मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, उल्टा मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आपको पुलिस स्टेशन, कोर्ट और हॉस्पिटल जाने से बचा रही हूँ। क्यों, ये क्यों जाएंगे पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल? भाभी जी शायद आपको पता नहीं है, आपके पति का मार्केट में नाम बहुत खराब है। ये धनराज सेठ खुद के धन पे नहीं, दूसरों के धन पे राज करके धनराज बने हैं। सेठ जी ने आप पे भरोसा करके आपको लाखों रुपए का सामान दिया और आप उन्हें ही परेशान कर रहे हो। देखिए मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, अब आप जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पेमेंट लिए बिना चली गई तो आपको बहुत पछताना होगा। मतलब? मतलब ये कि मेरे 3 भाई हैं, एक पुलिस में है, एक वकील है और एक पत्रकार है, तीनों को मैं आपके पीछे लगा दूंगी, फिर तो हमारी पेमेंट भी मिल जाएगी और आपकी बदनामी भी होगी, और तो और आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप पेमेंट वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। पेमेंट दे दीजिए, हमें कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने। बावरी जी आप चेक लेंगे या कैश? चेक ही दीजिए, और हाँ चेक बाउंस नहीं होना चाहिए वरना आपकी और भी ज्यादा बदनामी होगी। मेरे 3 जो भाई है, पुलिस, पत्रकार और वकील,
आपके पीछे लग जाएंगे। चेकबुक लिख के आऊं। जी। बाबूजी बैठिए ना। नहीं नहीं इट्स ओके, आप जल्दी चेक दे दीजिए। ये लीजिए बाबूजी, 6 लाख रुपए का चेक है। थैंक यू। वाह बाबूजी बेटा वाह, कमाल कर दिया, कमाल ही कर दिया। खाना, थैंक यू। एक कमाल हो गया, धमाल हो गया, चमत्कार हो गया। तो धनराज सेठ पूरे मार्केट का पैसा दबा कर बैठा था, उसी धनराज सेठ से बावरी ने पेमेंट निकलवा लिया। हिंदी में कहावत है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बावरी ने वही किया, धनराज को उसकी भाषा में समझाया और पैसे देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक मिनट, ये खुशी की बात है या फिर दुख की? अगर बावरी पेमेंट लेकर आती है मतलब जेठालाल को बावरी को नौकरी पर रखना पड़ेगा, और बावरी को नौकरी पर रखना मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को गलती से मिस्टेक के गोडाउन में बदलने जैसा। अब जेठालाल बुरी तरह से फंस गया। क्या लगता है आप, जेठालाल बाबरी को नौकरी पे रखेगा? रखेगा क्या, रखना ही पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट हंसी और ठाकों से भरपूर है। और ये ट्विस्ट क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग बबियर जी। क्या बोला बबियर जी? आजकल फैशन है ना हस्बैंड वाइफ का नाम मिक्स करके हैशटैग बनाने का। हैशटैग? हाँ हाँ, तो वैसे मैंने बबीता जी और अय्यर भाई का नाम मिक्स करके एक हैशटैग बनाया, हैशटैग बबियर जी। बाय जया जी। क्या? जयदलाल का जे और दया बबी का या, जे या। बाय जया जी, बाय। अरे बहुत ही बुरा, बहुत बुरा जय। अरे ओ मेहता साहब, यार बोल रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ फिर भी जा रहे हैं यार। जल्दी करो ना, देर हो रही है। हाँ भाई आ रहा हूँ।